अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस दिन को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। महान नृत्य गोपाल दास हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा संघर्ष महाराज जी का भी रहा है। महाराज जी, एक भव्य दिन आज आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है, भगवान की कृपा से ये अवसर मिला है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। हम हर तरह से, हर प्रकार से मंदिर निर्माण में सहयोग रहे। महाराज जी, आपने वो दिन भी देखा है कि जब अयोध्या में विकास नहीं था, अयोध्या में सड़कें नहीं थी। मुझे लगा आज जब आप अपने घर से बाहर निकल कर आए होंगे, एक बदली हुई अयोध्या महाराज जी नजर आई होगी। निश्चित ही अयोध्या में परिवर्तन हुआ है। पहले जैसे अयोध्या जी नहीं रह गई, बहुत सुंदर सारी चारों ओर से विकास हो गया है, हो रहा है। हम उस विकास और सहयोग में सहयोग दे रहे हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी भी यहां पर मौजूद रहेंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? बहुत अच्छी बात है, मोदी जी को सम्मिलित होना चाहिए, इससे बढ़ करके और सौभाग्य क्या हो सकता। महाराज जी, एक अलख जो है वो जगाने का काम किया, चाहे पीएम मोदी की बात करी जाए या फिर अन्य लोगों की, लेकिन महाराज जी अन्य जो पार्टियों को इससे इतनी दिक्कत क्यों है? निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी आना नहीं? जिनकी जो इच्छा हो वो आए, ना ना आए, अपना काम करना है, अपना काम करके सफल हो। बहुत शुक्रिया महाराज जी बात करने के लिए। हमारे साथ महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद थे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।